दोस्तों आज हम रानी केतवान के बारे में जानेंगे। रानी केतवान 17वीं सदी की जॉर्जिया की रानी थी। 1613 में ईरान के राजा पारसिया शाह अब्बास प्रथम ने जॉर्जिया पर हमला किया और जॉर्जिया की रानी केतवान को बंदी बनाकर ईरान ले गया और राजा ने रानी केतवान के सामने निकाह और धर्म बदलने की शर्त रखी। रानी केतवान ने ईरान के राजा के फैसले को चुनौती दी और राजा के फैसले को इनकार कर दिया। नाराज हुए राजा ने रानी पर गर्म लोहे से हमला कर दिया। गर्म लोहे के रॉड से शरीर को छलनी कर दिया। सितंबर 1624 में रानी ने प्राण त्याग दिए। जॉर्जिया के लोग रानी केतवान को देवी समान मानते हैं। उन्होंने रानी केतवान को सेंट का दर्जा दिया है। रानी के अस्थि को ये लोग बहुत पवित्र मानते थे और उनके रिलिक्स उनके मरने के बाद पूरे यूरोप में फैल गए और कुछ रिलिक्स पोर्तुगीज के पास भी पहुँचे थे। जब पोर्तुगीज ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उनके साथ रिलिक्स साथ ले आए, उस वक्त से रिलिक्स गोवा में थे। 2017 में 6 महीनों के लिए एज अ एक्ट ऑफ काइंडनेस रिलिक्स जॉर्जिया भेजे गए। जॉर्जिया के लोग बहुत इमोशनल हो गए इस बात को लेकर। उन्होंने इंडिया को रिक्वेस्ट की कि यह रिलिक्स परमानेंटली हमारे देश में रख दीजिए। रानी केतवान हमारे देश से बिलोंग करती है। जॉर्जिया के लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी हुई थी। इंडिया ने फाइनली 2021 में यह रिलिक्स जॉर्जिया को दिए। तो देखते हैं यह वीडियो। जॉर्जिया की मांग पूरी करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जॉर्जिया की महारानी केतवान के रिलिक्स जॉर्जिया की सरकार को सौंप दी।